हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी है मटन कड़ी की। एकदम सिंपल और इजी रेसिपी है। चलिए शुरू करते हैं। सरसों के तेल में एक चम्मच जीरा, दो लाल मिर्च, दो बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, 10 लौंग, एक जावित्री, सूर्यफूल 2। इसे चटकने देना है। इसके बाद हम इसमें 2 बड़े प्याज चॉप किए हुए डाल देंगे, ब्राउन होने तक पकाएंगे। फिर इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और फिर इसमें मटन डाल देंगे। 5 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें 2 बड़े टमाटर चॉप किए हुए, ये हरे धनिया का जो डंडी रहती है वो है। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है, धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा लेना है, गरम मसाला 2 चम्मच, लहसुन की 1 कलियां 2 ले लेनी है, और फिर इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, कूटी हुई काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और इसमें 1 कटोरी दही डाल के इसको अच्छी तरह से मिलाना है और ढक के 10 से 15 मिनट तक पकाना है। उसके बाद इसमें पानी डाल के आपको 7 से 8 सीटी लगा लेनी है। तैयार है आपकी मटन कड़ी। आपका कोई सवाल?